हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीडियो है पैराग्राफ के बारे में, शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैरा जी आर ए बी एस, शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैरा किस बारे में, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर बरसात हो रही है, ठीक है ना, और ये जो पाइप है इससे कनेक्ट है, और ये जाके इस पर कनेक्ट है। यहाँ आपने लगा रखा है एक हेडपम्प, ये आपका टैंक है TANK, ये रेन शावर हो गया, रेन होगी या हाउस हो गया, ठीक है। अब इस बेस पर आपको लिखना है, तो ये हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द गिवन ऐसे लिखेंगे कि द गिवन पिक्चर, द गिवन पिक्चर इज अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ टुडे इन साउथ इंडिया, इट इज अ कंपल्सरी प्रोसेस फॉर देयर रेजिडेंट, वाटर हार्वेस्टिंग इन द सेंस डेट We joint our roof pipe with underground water pipe विद अंडरग्राउंड वाटर पाइप ठीक है, इट इज यूजफुल व्हेन द रेनी सीजन is there, all rain water
of roof collected in a tank of ground, a tank in ground it can be used in household work gardening and other domestic work. As we know, there are only two, 3 months of rainy season. So, rainy season and rainwater या फिर the water of rain is the source of the purest water in the world. There are more and more situation increasing of water crisis we must collect the rain water in the village we can hold the waste water which has been wasted in rainy season. ठीक है, हिंदी अर्थ देखो इसका भाई, ये आपके क्या है, विजुअल है ना, विजुअल ग्राफ दिया जाएगा, एक विजुअल पिक्चर आएगी, उसके बेस पर आपको लिखना है, एक स्पेशली 10th क्लास के लिए है ये, और वैसे तो टॉपिक के हिसाब से तो 9th क्लास भी उतनी बराबर की हकदार है, दोनों के लिए बहुत भयंकर रूप से ज़रूरी।
द गिवन पिक्चर इज अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ टुडे. इन साउथ इंडिया इट इज ए कंपल्सरी प्रोसेस. देखो जो दी हुई पिक्चर है ना, द गिवन पिक्चर, जो गिवन पिक्चर है वो किस बारे में है? इज अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, इट इज द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ टुडे. ये आज की बहुत भयंकर रूप से बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की. कैसे? इन साउथ इंडिया इट इज ए कंपल्सरी प्रोसेस, क्योंकि साउथ इंडिया में तो ये एक कंपल्सरी प्रोसेस है फॉर देयर रेजिडेंट, वहां के रहने वाले लोगों के लिए. उनको हार्वेस्टिंग का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, हार्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी रेन वाटर की. वाटर हार्वेस्टिंग इन द सेंस, वाटर हार्वेस्टिंग का देखो मतलब क्या होता है कि वी जॉइंट आर रूफ पाइप्स. हम अपने जो रूफ पाइप होते हैं, रूफ पाइप को जॉइंट करते हैं हम किससे? विद अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स. अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स जो होते हैं उनसे इट इज़ यूजफुल. ये जब अंडरग्राउंड वाटर पाइप टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पाइप से हम इसको जोड़ देते हैं, इट इज यूजफुल. ये बड़ा है ना, यूजफुल बहुत है. यूजफुल कैसे है? वेन द रेनी सीजन इज देयर, कि जब ये बहुत उपयोगी होता है. इसका उपयोग कब होता है? जब रेनी सीजन होता है. कैसे? ऑल रेन वाटर ऑफ रूफ कलेक्टेड इन ए टैंक, कि जो पूरा रूफ का जो वाटर रूफ का जो वाटर होता है रेन के द्वारा इकट्ठा होता है, वो एक टैंक में इकट्ठा होता है इन ग्राउंड. इट कैन बी यूज इन हाउस होल्ड वर्क. उसके बाद क्या होता है कि उस टैंक में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम हाउस होल्ड यानी घरेलू काम में यूज कर सकते हैं, बगीचे में काम में ले सकते हैं, और दूसरे डोमेस्टिक काम में भी ले सकते हैं, दूसरे घरेलू काम में. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर ओनली 2-3 months ऑफ रेन. जैसे हम जानते हैं कि केवल 2-3 महीने होते हैं बरसात के ऋतु के, सीजन के. एंड द वाटर ऑफ रेन इज सोर्स ऑफ द प्योरेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड. एंड द वाटर ऑफ रेन, कि जो पानी है किसका, बरसात का, वो इज द सोर्स ऑफ, वो एक ऐसा संसाधन है किसका, ऑफ द प्योरेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे शुद्ध पानी का. देर आर मोर एंड मोर सिचुएशन इंक्रीजिंग ऑफ वाटर क्राइसिस. देखो बहुत ही ज़्यादा स्थिति बढ़ रही है वाटर क्राइसिस यानी पानी की विपत्ति की. वी मस्ट कलेक्ट द रेन वाटर. हमें जरूर से जरूर वाटर कलेक्ट करना है. देखो, और फिर विलेज में, इन द विलेज वी कैन होल्ड द वेस्ट वाटर विच हैज़, हम पानी को होल्ड कर सकते हैं वेस्ट वाटर को जो कि बह जाता है, जो कि विच हैज़ बीन, जो कि बह जाता है वेस्टेड न्यू बर्बाद इन बरसात की ऋतु में. न्यू पानी बह जाता है बरसात का, उसको इकट्ठा करो तालाब वगैरह किसी में गांव के, तो गांव के भलाई में काम आएगा. गांव के पानी का जो कुएं का जल स्तर है वो बढ़ेगा. गांव का पानी गांव में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर का हो कहीं का ही हो, है ना. तो ये हो गया आपके करीब करीब 60 वर्ड का. चलो नेक्स्ट देखते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है
जैसे ये एक चित्र दे रखा है, कौन है ये? है जी, महात्मा गांधी नहीं है क्या? चलो ये महात्मा गांधी का चित्र है, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, ठीक है। द गिवन पिक्चर इज अबाउट इंडियाज नेशनल नेशंस नेश फादर इंडियाज फादर ऑफ नेशन नेम्ड महात्मा गांधी। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यही है क्या? हाँ जी, एट पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात। ठीक है, और क्या लिख रखा है? ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड लॉ डिग्री फ्रॉम लंदन। ही लीडेड मैनी मूमेंट He leaded many movements in his life. He was the man of non-violence. Non-violence he is a man of non-violence satya agrah सिविल डिसोबियंस एंड ट्रुथ। महात्मा गांधी were active
फ्रॉम He was died on 30 January 1948. He parted with a Sahyog Andolan hunger strike. And many others. He started his first movement in South Africa about 1948. His first movement in India His first movement in India was about Champaran. For Indigo sharecroppers. He fought for equality, truth, humanity, and tolerance. ठीक है और लिख दो एक लाइन ही ये हिज ऑटो बायो ग्राफिकल वर्क इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ठीक है